₹10। ये सामने गाड़ी देखो, ये बढ़िया गाड़ी है, ठंड के टाइम में यही तो सबसे ज्यादा काम देगा। बहुत ठंडे करो, मैं तो बाबा रामदेव का योगा भी करते करते कंबल लेकर बैठी हूँ। सब आज तो फिर भी ठीक है, वॉक कम है, बहुत कम है यार। हटे कोरोना यार, कल क्या मतलब मैंने श्रवण को कल एक न्यूज सुना दी, बस ऐसे दिखा दिया कि न्यूज में जो चल रहा था कि कोरोना वापस आ रहा है और शायद लॉकडाउन लग सकता है, तो हमारे लिए भी अच्छा चांसेस है टाइम स्पेंड करने का। कहीं घूमने तो नहीं जा सकते मगर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो अच्छा रहा। बट अभी ऐसे खुश हो रही है ना, कल पता चल रहा था, कल कह रही थी यार ऑफिस खुल नहीं रहा है, वर्क फ्रॉम होम करते करते बोर हो गई हूँ। अरे उसको पीछे बैक लाइट ऑन था, अरे कबूतर उड़ गया, मैं ये दिखाने के लिए आया था, साला उड़ गया। अरे चमक रहा नहीं, मतलब वो बैक लाइट ऑन था ना इसमें। हाँ वही। अब मैं कबूतर दिखाने आया था, पता है हम लोग के यहाँ पे इतनी परेशानी हो गई है ना, यहाँ पे इस तार पे बैठ जाता है, आले ने पॉटी भी की हुई है और इधर गंदा कर देता है, आंटी हर दिन परेशान रहती है। अरे नहीं नहीं किया, आज नहीं किया, भूल गई। तो किया नहीं है तो जबरदस्ती पूछ लो, क्या करूँ जो मैं चाटू जाके क्या। तो तुम करती होगी ना वैसे। चला जाए, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वैसे मालूम है हर कोई रिजोल्यूशन बनाता है अपना हर साल में, मेरा रिजोल्यूशन बनता है हर दिन में, मतलब डेली मैं यही सोचता हूँ, आज सुबह जल्दी उठूंगा, शैडो को ले जाऊंगा घुमाने के लिए, बाकी सारे घर के काम करूंगा, मतलब फलाना फलाना, बहुत कुछ तरह के, बहुत टाइप के रिजोल्यूशन बनते हैं गुना, डेली के डेली भी हमारे रिजोल्यूशन बनते हैं। जैसे नहीं, जैसे शगुन का रिजोल्यूशन बनता है मैं मीठा खाना छोड़ दूंगी, जाओ जाओ ऑफिस का काम आ गया। मैं भी निकल रहा हूँ, लव यू, बंद कर लेगा ठीक है। अब सीधे आप लोग से ऑफिस में मिलता हूँ, रास्ते के बीच में कर नहीं पाऊंगा क्योंकि आदत छूट गई है ना। सो ऑफिस भी चेंज हो गया हमारा, ये पहले तो सबसे, अगर आप लोग पुराने होंगे हमारे ब्लॉग देखते हो तो पता होगा कि पहले हमारा ऑफिस कुछ और था, पहले कहीं और था, अभी फिर कहीं और हो गया है, ये वाला ऑफिस था बीच में तो ये भी चेंज हो गया है और अब दूसरा ऑफिस हो गया फिर हमारा, मतलब हमारे ऑफिस चेंज होते जा रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ नया वाला ऑफिस हमारा, नया ऑफिस कुछ इस तरह का है। इस बार ऑफिस बहुत परफेक्ट मिला यार, क्या बात है, बड़े बड़े टेबल्स, वार्डरोब्स, बाकी कंप्यूटर तो हमारा पुराना ही है और चाय हमारी नई है, मतलब लोग कह सकते हैं अब कि वाह शुभम बाबू नया घर, नहीं नया घर तो नहीं, मतलब घर तो चेंज हुआ है, जिनने अभी ब्लॉग देखा फिर से शुरू किया वो लोग बोल सकते हैं कि नया घर नया ऑफिस, बीवी पुरानी है बच्चा नया। तो खैर बहुत बढ़िया यार, ऑफिस ऐसा मिल जाए बहुत ही मुश्किल होता है, रेयर चांस होता है कि एक सिविल इंजीनियर को ऐसा ऑफिस मिले। बाकी चाय पीते हैं, हाँ जी हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक, शुक्रिया, थोड़ा बहुत मदद करके अच्छा लगता है। अच्छा मैं शिफ्ट हो गया, हम गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फोन किसी का भी आ सकता था, फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है बीच में, तो बताना गोप्रो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है कि फोन की ज्यादा अच्छी है। अचानक से ना काम करते करते एक चीज याद आया, अमीरों के चोचले वाले बाथरूम दिखाऊं आप सबको, अगर कर पाया मैं रिकॉर्डिंग तो दिखाता हूँ, अभी चल रहा हूँ वहीं पे, बहुत ही बढ़िया मॉल बन रहा है, मॉल बन चुका है लगभग, तो अंदर बाथरूम बना है, बाथरूम बहुत ही सुंदर बना है, वो दिखाता हूँ आप सबको। जा रहा था बाथरूम को रिकॉर्ड करने के लिए, पता चला उससे पहले काम आ गया, अब इन सबको साइन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद चलते हैं बाथरूम। पता नहीं कैसी चीज है यार कि बनाते हम ही लोग हैं और हम ही लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग नहीं, मेरे नीचे जो सब नीचे भी नहीं कहिएगा, मतलब साथ के जो लोग हैं हम लोग क्लाइंट में हैं, क्लाइंट इन द सेंस कि हम चेकिंग है सब में, तो हम लोग यूज कर लेते हैं, मगर जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लोग यूज नहीं करते, बाथरूम बना है उन लोग के लिए। उधर जैसे बाथरूम बोल रहा हूँ, बाथरूम नहीं टॉयलेट है, टॉयलेट मतलब बाथरूम तो वो होता है जहाँ पे नहा सकते हैं, ये टॉयलेट है, तो दिखाता हूँ बहुत ही लग्जरियस बना है। आप लोग को वैसे बता दे रहा हूँ कि देखिए ये ना टेस्ट होता है सुबह सुबह, जैसे अर्ली मॉर्निंग में मैंने छुपा दिया क्योंकि साइन ये सब अच्छा नहीं रहता ना, कॉपी होने का डर रहता है या कुछ भी है, किसी का भी साइन या किसी का नाम क्यों रिवील करें। जैसे ब्रेक का टेस्ट होता है, फ्लाई ऐश ब्रेक आती है तो उसका टेस्ट होता है, वो डेली होता है, तो डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, टेस्ट करवाते हैं, साइन करवाते हैं। आप लोग को धीरे धीरे अब मैं भी चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को, जो हम लोग करते हैं ना एक्चुअल में, वो सब चीजें आप लोग को दिखाऊंगा।
पसंद आएगा तो यार पता है ना आपको लाइक और शेयर करते जाना। और यहाँ पे भी कुछ लोग है ना जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, वो कहते हैं कि सर आप ब्लॉग करो, हम लोग ये आना चाहते हैं, मतलब सिविल में ही है वो लोग, तो लूंगा उन लोग को भी धीरे धीरे, आप लोग को भी बताऊंगा कहानी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ये सामने गाड़ी देखो, ये बढ़िया गाड़ी है। यही मॉल हम लोग बना रहे हैं और बन ही चुका है लगभग। ये बाथरूम स्टार्ट है यहाँ से। टाइल्स ये देखो, लाइट्स सारी एंशिएंट लुक दिया हुआ है। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाथरूम में कोई है, पूरा क्लासिक लुक है और हवा छोड़ने वाला है, गरम गरम हवा छोड़ता है। ठंड के टाइम में यही तो सबसे ज्यादा काम देगा, गरम गरम कर देता है। महंगा बना दिया है बाथरूम। मैं तो यहाँ पे दिखा रहा था ये चीज देखो, डैम्पनेस आ रही है ना ये कॉर्नर में, देख रहे हो, आई थिंक लीकेज है कुछ। भाई ऑटोमेटिक साबुन निकालने का डिस्पेंसर है, फिर वो तो उसका तो यूज ही नहीं होता, सब बेकार, सारे उनको निकाल ही लेते हैं टिश्यू पेपर। बहुत फ्लिकरिंग हो रही है, मगर लाइट में फ्लिकरिंग बहुत है। चांदनी चौक का सबसे बड़ा मॉल बनेगा ये बाहर से अब लुक देखिए कितना बड़ा, कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये मेन गेट है, मेन दरवाजा ये वाला है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। हाँ, मॉल की मेन एंट्री वो वाली है। देखिए मैं चाहता भी और ज्यादा नहीं कर सकता था, मतलब कर नहीं पाया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बाकी ठीक है, मजा तो आया ही होगा आप लोग को देखने में। मॉल बहुत ही बड़ा है, चांदनी चौक में सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। मॉल तो वैसे है भी नहीं चांदनी चौक में, मगर ये सबसे बड़ा बन रहा है। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं। थकावट बहुत हो जाती है यार, सुबह से काम इतना नहीं रहता है, बट फिर भी भाग दौड़ थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। मैं खटखटाया था, ठीक है ना, आपने खोला नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा सामान आ गया। ये दो छोटे छोटे क्यों दिए हैं? नारियल तेल इतने छोटे छोटे से बउआ बउआ से दो दो, एक बड़ा ले लेते। हर चीज दो दो क्यों आई है? बिस्किट इतने सारे आए हैं, देख रहा, मैंगो पिकल भी दो आया है, एक हो रहा, बिस्किट्स भी तीन आए हैं वैसे। चेडू, 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 मेरा बच्चू, मेरा बच्चू, मेरा बच्चू, मेरा बच्चू, मेरा बच्चू, मेरा बच्चू। अरे कहाँ कहाँ घुसी जा रही है? कहाँ 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 डांस डांस। अच्छा अच्छा, ओहो मूवी देखी जा रही है अंकल, हॉटस्टार पे लगाए हैं या किस पे, यूट्यूब पे? अच्छा गाना चल रहा है अभी, हकूना मटाटा मिल गुल्लू। अरे गाना गाना कितना अच्छे से देख रही है। शैडो को घुमा लीजिए थोड़ा, मतलब मैं ऑफिस से आऊँ तो शैडो को घुमाने जाऊँ? प्यारी किसकी है यार? ये भी तो कहाँ है? ए ए ए ए ए ए गुचु गुचु गुचु, चलो आओ आओ, चलो चलो, जैसे आप छोड़ दो, चलो आओ चलो आओ आओ जल्दी आओ, बउआ आओ, चलो चलो घूमी घूमी चलो आओ जल्दी आओ। अब मैं शैडो को घुमा के लाऊं पहले, खुशी से देखिए, छुचु छुचु पाटी, अरे लग जाएगी चोट, लग जाएगी छुचु पाटी छुचु। खाना पीना हो गया है, रिद्धि भी अभी सोने जा रही है, अभी तक सोई नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ सारा अंकल हंसते रहते हैं, मैं जा रहा हूँ बर्तन खाली करने के लिए, क्योंकि ये ड्यूटी, ये भी है पार्ट है ड्यूटी का, तो इसके बाद में फिर सो ही जाएंगे, फिर सुबह फिर से उठेंगे, फिर से वही ड्यूटी। यार 9 से 5 वाली जो नौकरी है ना, तो सॉरी 9 से 6 वाली, हमारी 6 बजे तक होती है, तो वो ऐसे ही चलती है। बाकी ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, नहीं पसंद आया हो तो बताना कमेंट में कि क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या पसंद आ सकता है, और कुछ ट्राई करने के लिए बताओगे तो कोशिश करूंगा, पक्का नहीं कह सकते, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है।
और वो पहले यार मेरा सर कट जाता है, इसलिए मुझे ना हाँ ये एंगल सही है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।